सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटवारियों और कानून गो की हड़ताल जारी है, सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और नकुल जसूजा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नकुल, आज 10वां दिन विरोध प्रदर्शन का, लेकिन अब तक इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है, क्या वजह, किस तरीके की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और आज पटवारी को इनकी एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से उन्हें बुलावा आया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बुलाया है बातचीत के लिए, तो उसमें कोई ना कोई फैसला जरूर निकल सकता है। लेकिन पिछले 9 दिनों से हड़ताल इनकी जारी है, प्रदेश भर में हड़ताल है और सिरसा में भी हड़ताल है और इस हड़ताल का खासा असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकारी कार्यों में भले ही रजिस्ट्री का काम हो, इंतकाल का काम हो, और बहुत से ऐसे सरकारी कार्य होते हैं जिसमें पटवारी और कानूनों की जरूरत होती है और इसकी हड़ताल के चलते अब काम जो है वो बंद पड़ा है। सिरसा पटवार भवन की बात की जाए या ई दिशा केंद्र की बात की जाए तो वहां पर जो लोग रजिस्ट्री या इंतकाल के लिए आ रहे हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पटवारियों का कहना है कि सरकार ने उनसे वायदा किया था, वो वायदा अब सरकार पूरा नहीं कर रही, पे ग्रेड बढ़ाने का मांग जो है वो उनकी चल रही है। एक बात ये भी देखने को मिली कि आज विपक्षी दल के जो नेता है, विपक्षी पार्टियों के जो नेता है, वो भी इनको समर्थन देने के लिए आ गए हैं। फिलहाल जो इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि आज वार्ता होनी है और अगर वार्ता सफल हुई तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये हड़ताल खत्म हो जाए, नहीं तो पटवारियों का कहना है कि कोई बड़ा फैसला इनकी तरफ से दिया जाए। नकुल, एक बार फिर बताइए कि इनकी मांगे क्या है, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया, क्या मांगे वो सरकार के सामने अब रख रहे हैं? जी, इनकी एक ही मांग है जो सबसे अहम मांग है, जो ये कह रहे हैं कि पे ग्रेड बढ़ाया जाए, जो ग्रेड होता है, सैलरी का ग्रेड होता है, उसको बढ़ाने की मांग है। और ये सिरसा जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की मांग है और पूरे प्रदेश के अलग अलग जिला हेडक्वार्टर्स पर पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर चल रहे हैं। पटवारियों का कहना यही है कि सरकार ने कहा था, आश्वासन दिया था कि पे ग्रेड बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो पे ग्रेड नहीं बढ़ाया गया, तो उनकी मुख्य मांग यही है। और ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार पे ग्रेड नहीं बढ़ाती तब तक इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे। नकुल, ये भी बताइए कि आज देखिए जो ये प्रदर्शनकारी है इनका समर्थन कांग्रेस के तमाम नेता भी देते हुए नजर आए, तो आज इनके विरोध प्रदर्शन में कौन से कांग्रेस के नेता शामिल हुए? देखिए, सिरसा की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और INLD की जो जिला स्तर के नेता है उनकी तरफ से समर्थन दिया गया। इसके अलावा जो कर्मचारी संगठन है सिरसा जिले से जुड़े के कर्मचारी संगठन हैं, उनके नेता और उनके पदाधिकारी भी आज इनके समर्थन में आए। तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को या इनेलो के जो जिला स्तरीय नेता हैं उन्होंने समर्थन दिया है। पटवारियों का ये कहना है कि इससे पहले कर्मचारी संगठन उन्हें समर्थन दे रहे थे, अब राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, वो भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन एक बात इनके पदाधिकारियों की तरफ से ये कही गई है कि वार्ता के लिए सरकार ने उन्हें बुलाया है और अगर ठीक है, अब देखते यही है कि क्या इस बातचीत में कोई समाधान निकलता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी के लिए।